अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमी फाउंडेशन स्कूल। होप यू ऑल आर फाइन एंड कीप स्टडिंग एट होम। आज जो हम साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे वो है यूनिट नंबर 7, फोर्स एंड मशीन्स। फोर्स कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू स्टार्ट, स्टॉप और चेंज डायरेक्शन। ताकत की वजह से चीजें स्टार्ट होती हैं, स्टॉप हो जाती हैं और अपनी सिमत को चेंज करती हैं। इनर्शिया। सर इसैक न्यूटन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब हाउ थिंग्स वुड मूव इफ नो फोर्सेस वर एक्टिंग ऑन देम। सर इसैक न्यूटन पहले साइंसदान थे जिन्होंने ये बताया था कि चीजें किस तरह से हरकत करती हैं अगर कोई ताकत ना लगाई जाए। हिज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स, इन्होंने तीन कानून पेश किए थे जिसमें से पहले कानून में इन्होंने बताया इफ समथिंग हैज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, अगर किसी चीज पर कोई फोर्स यानी कोई ताकत ना लगाई जाए, इट विल स्टे स्टिल, तो वो सेम रहती है। इफ मूविंग, अगर वो हरकत कर रही है, इट विल कीप मूविंग एट अ स्टेडी स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन, तो वो हरकत करती रहेगी एक फिक्स स्पीड से और स्ट्रेट लाइन में। मोस्ट थिंग्स हैव सेवरल फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम, कुछ चीजों पर बहुत ताकतें लग रही हैं। फॉर एग्जांपल एवरीथिंग फील्स द पुल ऑफ ग्रेविटी, मिसाल के तौर पर तमाम चीजें ग्रेविटी यानी जमीन की तरफ खींचने वाली ताकत को महसूस करती हैं। एंड मूविंग थिंग्स हैव फ्रिक्शन ट्राइंग टू स्लो देम डाउन, और हरकत करने वाली चीजें रगड़ की ताकत को महसूस करती हैं जिनकी वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है। Sometimes the forces acting on an object cancel each other out. कभी कभार अगर किसी चीज पर दो forces लगाई जा रही हैं, तो वो दोनों ताकतें एक दूसरे को cancel कर देती हैं। Then it behaves as if it has no forces acting on it at all. और ये इस तरह behave करती हैं कि इन पर कोई ताकत नहीं लग रही। It obeys Newton's first law. और ये Newton के पहले कानून को follow करती हैं। The best way to understand Newton's first law is to think of a spaceship traveling in outer space where there is no gravity. बेहतर तरीका ये है न्यूटन के पहले कानून को समझने के लिए कि आप एक स्पेसशिप के बारे में सोचें जो खला में सफर कर रही है, जहां कोई ग्रेविटी नहीं है, यानी जहां कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उसे जमीन की तरफ खींच रही है। The spaceship has no engine to push it, but there is no friction or other force to slow it down. Spaceship के पास कोई इंजन नहीं है जो उसे खींच रहा है, लेकिन वहाँ कोई रगड़ की ताकत भी नहीं है जो उसकी स्पीड को कम कर दे। It just travels on at the same speed and in the same direction. तो वो सफर तय कर रही है एक सेम स्पीड के साथ और सेम सिम्त में। This tendency to keep going in the same direction and at the सेम स्पीड इज कॉल्ड इनर्शिया। तो इस तरीके को कि कोई भी चीज एक सेम सिम्त में और सेम स्पीड के साथ हरकत कर रही है, उसको इनर्शिया कहते हैं। अब है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी इज द नेम गिवन टू द फोर्स दैट मेक्स ऑल थिंग्स फॉल टू द ग्राउंड। ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से तमाम चीजें जमीन पर गिरती हैं। Hang an object from the end of a spring balance. आप एक स्प्रिंग लें जिसके एंड पर आप कोई भी चीज टांग दें, and you can measure the downward pull of the earth. और आप ये नोट कर सकते हैं कि वो चीज जमीन की तरफ कितना खिंच रही है। This pull is called gravitational force. इस खींचने वाली ताकत को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड मोस्ट थिंग्स फर्मली ऑन द ग्राउंड। ये ग्रेविटेशनल फोर्स जमीन की बहुत ताकतवर होती है कि वो तमाम चीजों को जमीन पर पकड़ के रखती है। मास, व्हेन वी वांट टू नो हाउ मच मटेरियल एन ऑब्जेक्ट कंटेन, वी मेजर इट्स मास। अगर हमें ये जानने की जरूरत हो कि किसी भी चीज में कितना मटेरियल है, तो हम उसका मास नोट करते हैं। मास इज मेजर्ड इन ग्राम्स एंड किलोग्राम्स, और मास को ग्राम्स में और किलोग्राम्स में नापा जाता है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम नो मैटर वेयर द ऑब्जेक्ट इज। किसी भी चीज का मास सेम रहता है वो चीज कहीं पर भी रखी हो। वेट, वेट इज अनदर नेम फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। वेट दूसरा नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स का। एज वेट इज अ फोर्स, इट इज मेजर्ड इन न्यूटन्स। वजन एक ताकत है जिसको न्यूटन्स में नापा जाता है। वी कैन यूज अ स्प्रिंग बैलेंस टू मेजर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम एक स्प्रिंग बैलेंस इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज के वजन को नापने के लिए। ऑन अर्थ
ईच किलोग्राम ऑफ मैटर वे 10 न्यूटन। जमीन पर हर किलोग्राम मादे में 10 न्यूटन का वजन होता है। ऑन द मून, चांद पर द सेम मास हैज अ डिफरेंट वेट। मास सेम होगा लेकिन उसका वजन मुख्तलिफ होगा। इट ओनली वे 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन अर्थ बट द मास इज स्टिल 1 किलोग्राम। अगर किसी भी चीज का मास 1 किलोग्राम है तो चांद पर उसका वजन होगा 6 में से एक पार्ट का। पीपल ऑफन यूज द वर्ड वेट When they really mean mass. लोग वजन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं जब उनका मतलब मास होता है। If you weigh yourself on the weighing scale and the needle reads 50 kilogram, अगर आप अपना वजन नोट करें और सुई आपको ये बताए कि आपका वजन 50 किलोग्राम है, you don't weigh 50 kilogram, तो आपका वजन 50 किलोग्राम नहीं है। You have a mass of 50 kilogram, आपका मास 50 किलोग्राम है। And वे ऑफ 500 न्यूटन और आपका वजन 500 न्यूटन है। इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अ फोर्स कैन गिव एनर्जी टू एन ऑब्जेक्ट कॉजिंग द ऑब्जेक्ट टू स्टार्ट स्टॉप और चेंज इट्स मोशन। ताकत से एनर्जी मिलती है और वो चीजों को स्टार्ट करती है, स्टॉप करती है और उनके हरकत करने की सिमत को चेंज करती है। फोर्सेस अकर इन पेयर्स एंड कैन आइदर बी बैलेंस और अनबैलेंस। ताकतें पेयर्स में लगती हैं और ये बैलेंस भी हो सकती है और अनबैलेंस भी। बैलेंस फोर्स डू नॉट कॉज अ चेंज इन मोशन। अगर ताकत बैलेंस है तो उसकी वजह से हरकत में कोई चेंज नहीं आएगा। दे आर इक्वल इन साइज एंड ओपोजिट इन डायरेक्शन। उसका साइज सेम होगा लेकिन उसकी सेम चेंज होगी। इन एन आर्म रेसलिंग कॉम्पिटिशन बिटवीन द टू पीपल हु आर इक्वली स्ट्रॉन्ग। पंजा लड़ाने के कॉम्पिटिशन में दो लोग लें जो इक्वली स्ट्रॉन्ग हों। देयर विल प्रोबेबली बी अ टाइम व्हेन बोथ विल बी पुश्ड इक्वली हार्ड एंड देयर आर्म्स विल स्टे इन द सेम प्लेस। तो एक वक्त आएगा कि वो दोनों बंदे एक जितनी ताकत लगा रहे होंगे लेकिन फिर भी उनके हाथ उसी जगह पर रखे होंगे। The forces exerted by both people are equal but in opposite direction. तो वो दोनों लोग जो ताकत लगा रहे हैं वो इक्वल होगी लेकिन उनकी सिम्त चेंज होगी। The two forces cancel each other out and the resulting force is zero. तो वो दोनों ताकतें एक दूसरे को कैंसिल कर रही होंगी और जो रिजल्ट में ताकत आएगी वो होगी जीरो। Therefore there is no change in motion. तो इससे ये होगा कि हरकत में कोई चेंज नहीं आएगा। Another example is that of a tug of war competition. दूसरी example ये है कि रस्सी खींचने के competition में। In this case, the forces are moving away from each other. इसमें ताकतें लगाई जा रही हैं एक दूसरे को खींचने के लिए। If the two teams have equal strength or force, अगर दोनों टीम के लोगों की स्ट्रेंथ सेम है और उनकी ताकतें भी सेम है, the rope will stay in the same place, तो रस्सी अपनी जगह पर ही रुकी रहेगी। Again the resultant force is zero and there is no change in motion. तो वहाँ पर भी जो result में ताकत आएगी वो zero होगी और हरकत में कोई change नहीं आएगा। Unbalanced force always cause a change in motion. Unbalanced ताकत जब भी लगेगी तो हमेशा वहाँ पर हरकत में change होगा। They are not equal and opposite. When two unbalanced force are exerted in opposite direction, जब दो unbalanced ताकत लग रही हो ओपोजिट सिम्त में, देयर कंबाइंड फोर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस एग्जर्टेड एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द लार्जर फोर्स। तो उनको कंबाइन करके जो ताकत होगी वो इक्वल होगी कि उन दोनों ताकतों को प्लस करें। अनबैलेंस फोर्स कैन ऑल्सो बी एग्जर्टेड इन द सेम डायरेक्शन। अनबैलेंस फोर्स एक सेम डायरेक्शन यानी सेम सिम्त में भी लगाई जा सकती है। इफ टू पीपल पुश अ कार, अगर दो लोग कार को धक्का लगाएं, the resultant force on the car will be the sum of the forces of both persons. तो जो result में ताकत होगी वो equal होगी उन दोनों इनकी ताकतों को plus करके and will be in the direction in which they apply the force. और उसकी सिमत वो होगी जिस सिमत में वो ताकत लगा रहे होंगे। Two important things to remember when working with balanced and unbalanced force are, दो अहम चीजें याद रखनी है जब भी आप बैलेंस और अनबैलेंस ताकतों पर काम कर रहे हों।
फोर्सेज इन द सेम डायरेक्शन कम्बाइंड बाय एडिशन, अगर सेम सिम्ट में ताकतें लग रही हैं तो वो आपस में ऐड होंगी। फोर्सेज इन अपोजिट डायरेक्शन कम्बाइंड बाय सब्ट्रैक्शन, अगर मुख्तलिफ सिम्ट में ताकतें लग रही हैं तो वो आपस में माइनस होंगी। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रिक्शन यानी रगड़। There is no such thing as a completely smooth surface. एक ऐसी सतह जो बिल्कुल बराबर हो उस पर कोई ऐसी रगड़ की ताकत नहीं होती। Some highly polished surface seem to be perfectly smooth. कुछ polished सतह जो आपको बिल्कुल perfect लग रही होती हैं, but if you look at these surfaces with a microscope, you will see that they have rough edges. लेकिन अगर इसी सतह को आप microscope से देखें तो उसके कोने खुरदुरे नजर आएंगे। When these rough edges rub against each other, they produce a force called friction. जब ये खुरदुरे कोने आपस में रगड़े जाते हैं तो उनसे एक ताकत पैदा होती है जिसको फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन मतलब रगड़। So we can say that friction is the force that is produced when two surfaces rub against each other. तो हम ये कह सकते हैं कि रगड़ एक ऐसी ताकत है जो जब पैदा होती है जब दो सतह आपस में रगड़ी जाएं। फ्रिक्शन tries to stop the surface from sliding over one another. रगड़ मदद करती है चीजों को फिसलने से। For smooth surfaces like ice and glass, the force of friction is less. ऐसी सतह जो बिल्कुल बराबर होती हैं, जैसे बर्फ है या ग्लास है, उन पर रगड़ की ताकत कम होती है। For rough surfaces like wood, rubber and sandpaper, it is much greater. खुरदरी सतह जैसे लकड़ी, रबर और रेगमाल, इन पर फ्रिक्शन यानी रगड़ की ताकत ज्यादा होती है। देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन योर हैंड्स व्हेन यू रब देम टुगेदर। जब आप अपने हाथों को रगड़ते हैं तो आपके हाथों के दरमियान भी रगड़ पैदा होती है। देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन योर शूज एंड द ग्राउंड व्हेन यू वॉक। आपके शूज और जमीन के दरमियान भी रगड़ की ताकत होती है जब आप चलते हैं। एंड बिटवीन द टायर्स ऑफ योर बाइसाइकिल एंड द ग्राउंड व्हेन यू पुश द पेडल्स। जब आप अपने पेडल्स को खींचते हैं तो आपकी बाइसाइकिल के टायर्स और जमीन के दरमियान भी रगड़ की ताकत होती है। फ्रिक्शन इज नीडेड to give your shoes and the tires of your bicycle to grip on the ground. रगड़ चाहिए होती है आपके शूज को और बाइसाइकिल के टायर्स को कि वो जमीन को पकड़ सकें। When you write with a pencil, जब आप पेंसिल से लिखते हैं, friction causes millions of carbon atoms to rub off from the end of the pencil. तो रगड़ की वजह से लाखों कार्बन के एटम्स आपस में रगड़े जाते हैं पेंसिल के एंड पर। That leaves a black mark on the paper. जिसकी वजह से आपके पेपर पर ब्लैक मार्क नजर आता है। फ्रिक्शन हेल्प्स इन ऑल काइंड्स ऑफ मोशन सच एज वॉकिंग, राइटिंग, क्लाइंबिंग एंड सो ऑन। रगड़ मदद करती है हर तरह की हरकत करने में, जैसे चलने में, लिखने में, चढ़ने में एंड सो ऑन, और बहुत सारी और चीजों में। इट हेल्प्स व्हीकल टू मूव ऑन द ग्राउंड, ये मदद करती है गाड़ियों को कि वो रोड पर चल सकें। बाय अलाइंग देयर टायर्स टू ग्रिप द सरफेस, और मदद करती है टायर्स को कि वो जमीन की सतह को पकड़ लें। What causes friction? Friction is partly due to tiny bumps on surface that are in contact with each other. रगड़ जब पैदा होती है जब सतह पर बहुत छोटे छोटी चढ़ाई हो जिससे वो आपस में लग रहे हो। And partly due to atoms in the two materials which tend to stick to each other. और दूसरा, दो material के atoms के दरमियान जब वो आपस में एक दूसरे से चिपक रहे हो। Fluid friction, materials that can flow are called fluid. वो चीजें जो बहती हैं उनको fluids कहते हैं। Liquid and gases are fluids. Liquid और gases fluids हैं, यानी वो बहते हैं। Fluids are also cause friction. Fluid से भी रगड़ पैदा होती है। When a car is traveling fast on a motorway, जब एक कार बहुत ज्यादा तेज स्पीड में motorway पर चलती है, Air resistance is the largest frictional force pushing against it. तो हवा मुखालिफत करती है, हवा एक बहुत बड़ी frictional force होती है जो उसको दूसरी तरफ खींचती है। Rowing a boat needs a lot of force to push it forward against water resistance. कश्ती चलाने के लिए बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत होती है और वहाँ पर पानी मुखालिफत करता है कि वो उसको दूसरी जानिब खींच सके। The resistance experience
experienced by swimmers, runners, cyclists and motor racer drivers is often referred to as a drag force. वो मुखालफत जो स्विमर्स, रनर्स, साइक्लिस्ट और मोटर रेसिंग ड्राइवर्स फेस करते हैं उसको ड्रैग फोर्स कहते हैं. द अमाउंट ऑफ ड्रैग विल डिपेंड ग्रेटली ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द वे इन विच द फ्लूइड और एयर फ्लोस पास इट. ये खींचने की ताकत डिपेंड करती है उस चीज की शेप पर और हवा पर या पानी पर. इफ द ऑब्जेक्ट अलाउज इट टू फ्लो स्मूथली इट विल क्रिएट लेस फ्रिक्शन देन एन ऑब्जेक्ट दैट विल डिस्टर्ब द फ्लो. एक ऐसी चीज जो अलाउ करे आसानी से हरकत करने को तो वहां पर रगड़ की ताकत कम होगी बजाय ऐसी चीज के जो उस हरकत को डिस्टर्ब करे. फॉर एग्जाम्पल अ स्विमर विल एक्सपीरियंस लेस ड्रैग बाय लाइंग फ्लैट इन द वॉटर. मिसाल के तौर पर एक स्विमर बहुत कम खींचने वाली ताकत को फेस करता है जब वो पानी पर तैरता है. अ साइक्लिस्ट कैन रिड्यूस ड्रैग बाय बेंडिंग फॉरवर्ड एंड वेयरिंग अ पॉइंटेड हेलमेट. साइक्लिस्ट खींचने वाली ताकत को कम कर सकता है जब वो साइकिल पर बैठे तो वो आगे की तरफ झुक जाए और पॉइंटेड हेलमेट पहने. ड्यूरिंग अ फ्री फॉल अ स्काई डाइवर्स विल बी पुल्ड रैपिडली टू द ग्राउंड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. स्काई डाइवर्स वो होते हैं जो पैराशूट लेकर नीचे उतरते हैं तो वो बहुत तेजी के साथ नीचे जमीन की तरफ खिंच रहे होते हैं क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स होती है. ऑन ओपनिंग द पैराशूट एयर रेजिस्टेंस विल इंक्रीज ग्रेटली इक्वल द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. जब स्काई डाइवर्स अपना पैराशूट खोलते हैं तो हवा मुखालिफत करती है उतनी ही ताकत के साथ जितनी ताकत ग्रेविटी की है. एंड द डाइवर्स विल कंटिन्यू टू फॉल बट एट अ लो स्पीड अंटिल ही रीचेस द ग्राउंड. तो डाइवर्स नीचे की तरफ आ रहा है लेकिन उसकी स्पीड कम हो जाती है जब तक वो जमीन पर पहुंचता है. फ्रिक्शन कैन बी हार्मफुल. रगड़ आपके लिए खतरनाक हो सकती है. अ लॉट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. बहुत ज्यादा तवनाई की जरूरत होती है फ्रिक्शन यानी रगड़ की ताकत को कम करने के लिए. फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट. रगड़ से गर्माइश पैदा होती है. दिस वेस्ट अ लॉट ऑफ एनर्जी और उसकी वजह से बहुत सारी तवनाई जाया हो जाती है. द मूविंग पार्ट ऑफ अ मशीन वेयर आउट बाय रबिंग अगेंस्ट ईच अदर. मशीन के हरकत करने वाले पार्ट्स टूट जाते हैं क्योंकि वो आपस में रगड़े जाते हैं. रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. रगड़ को कम किया जा सकता है. लुब्रिकेंट सच एज ऑयल एंड ग्रीस आर यूज इन मशीन टू रिड्यूस फ्रिक्शन. लुब्रिकेंट जो के तेल है या ग्रीस है वो इस्तेमाल करें मशीन्स में जिससे फ्रिक्शन रगड़ को कम किया जा सकता है. दे फॉर्म अ थिन लेयर बिटवीन द मूविंग सरफेस और हरकत करने वाली सतह पर एक पतली लेयर लगा दी जाए तेल की या ग्रीस की प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम रबिंग टुगेदर जो हरकत करने वाले पार्ट्स को रगड़ने से बचाते हैं. बॉल बेयरिंग रिड्यूस फ्रिक्शन बाय रोलिंग रदर देन ड्रैगिंग अक्रॉस अ सरफेस. बॉल बेयरिंग यूज करके भी रगड़ को कम किया जा सकता है कि उन हरकत करने वाले पार्ट्स के दरमियान बॉल बेयरिंग रख दिए जाएं और वो आपस में रोल होते रहें. An object moving through a liquid or gas experiences friction which causes drag slowing the object down. कोई भी चीज जब हरकत करती है लिक्विड पर या गैस पर तो वो रगड़ की ताकत को फेस करती है जिसकी वजह से ड्रैग पैदा होता है स्लोइंग द ऑब्जेक्ट डाउन और उस चीज की स्पीड कम हो जाती है. टू रिड्यूस दिस ड्रैग इस ड्रैग को कम करने के लिए शिप सबमरीन्स रेसिंग कार्स एंड एयरक्राफ्ट आर ऑल स्ट्रीमलाइन. तो शिप्स सबमरीन्स रेसिंग कार्स और एयरक्राफ्ट स्ट्रीमलाइंड हो जाते हैं यानी शेप सो डेट द वॉटर और एयर विल फ्लो स्मूथली ओवर देयर सरफेस व्हेन दे आर मूविंग एट ग्रेट स्पीड. वो हवा की और लिक्विड की शेप को हमवार कर लेते हैं ताकि आसानी से आगे की तरफ बढ़ सकें. डॉल्फिन शार्क्स एंड अदर फिश आर वेल स्ट्रीमलाइंड एंड ग्लाइड थ्रू द वॉटर विद ईज. डॉल्फिन शार्क और दूसरी मछलियाँ स्ट्रीमलाइंड हो जाती हैं यानी वो पानी की शक्ल को हमवार कर लेती हैं और आसानी से पानी में तैर पाती हैं.
व्हील्स आर ऑफन यूज्ड टू डिक्रीज फ्रिक्शन। व्हील्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं रगड़ को कम करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल मशीन्स। मोस्ट मशीन्स डेट वी यूज टुडे आर मेड अप ऑफ मैनी मूविंग पार्ट्स। आजकल जो मशीन्स यूज हो रही हैं वो बहुत सारे हरकत करने वाले पार्ट से मिलकर बनती हैं। ईच पार्ट कैन बी क्लासिफाइड एज अ सिंपल मशीन और हर पार्ट को एक सिंपल मशीन कहा जाता है। मशीन गिव्स अस मैकेनिकल एडवांटेज। मशीन से हमें मैकेनिकल फवायद मिलते हैं। विच इज द एक्स्ट्रा फोर्स डेट इज गेन्ड बाय यूजिंग सिंपल मशीन। जो एक एक्स्ट्रा ताकत होती है और वो सिंपल मशीन को इस्तेमाल करने से मिलती है। इन अदर वर्ड लेस एफर्ट्स नीड्स टू बी अप्लाइड टू डू मोर वर्क। दूसरे अल्फाज में ज्यादा काम करवाने के लिए कम कोशिशें की जाती हैं। टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन लेवर्स इंक्लाइंड प्लेन्स वेजेस स्क्रू व्हील्स एंड एक्सल्स एंड पुलिस आर ऑल सिंपल मशीन। लेवर्स इंक्लाइंड प्लेन्स वेजेस स्क्रू व्हील्स और एक्सल्स और पुली ये तमाम सिंपल मशीन हैं। ऑल मशीन आर मेड अप ऑफ वन और मोर ऑफ दी सिंपल मशीन। तमाम मशीनें एक या एक से ज्यादा इन सिंपल मशीन से बनती है। Lever. A lever is a simple machine in the form of an arm which can lift a heavy load by applying very little effort. Lever भी एक simple machine है जो बहुत भारी वजन को ऊपर की तरफ उठाती है बहुत कम ताकत लगाने से। The point on which a lever rests and about which it turns is called the fulcrum. वो point जहाँ पर lever रुकता है और जहाँ से टर्न होता है उसको फलकरम कहते हैं। दी फलकरम कैन बी एनीवेयर अलोंग द लेंथ ऑफ द आर्म और वो फलकरम लिवर के किसी भी जगह पर हो सकता है। दी पावर डेट इज अप्लाइड टू लिफ्ट द लोड इज कॉल्ड द एफर्ट। वो पावर जो वजन को उठाने के लिए लगाई जाती है उसको एफर्ट कहते हैं। एंड द वेट डेट इज लिफ्टेड इज कॉल्ड द लोड और वो वजन जो उठता है उसको लोड कहते हैं। व्हाइल मूविंग द लिड ऑफ अ कैन विद अ स्पून। कैन के ढक्कन को हटाने के लिए स्पून के साथ the edge of the can acts as the fulcrum. तो जो कैन का कोना है वो फलकरम होगा। To push the handle of the spoon down. तो हम इस चम्मच को नीचे की तरफ खींचेंगे and move the lid upward. कैन का ढक्कन ऊपर की तरफ उठेगा। Effort is applied और effort लगाई जाएगी। Types of levers, lever की इकसाम। In the first type of lever, the fulcrum is between the effort and the load, as in a seesaw or a pair of scissors. Lever की पहली किस्म में fulcrum effort और load के दरमियान होता है, जैसे कि seesaw में है और scissor में है। Scissor देखें, इसमें fulcrum दरमियान में है, एक side पे effort है और दूसरे side पर load है। इसी तरह सीसो में देखें, फलकरम सेंटर में है, लोड एक साइड पर है और एफर्ट दूसरी साइड पर है। इन द सेकंड टाइप ऑफ लेवर द फलकरम इज एट वन एंड एंड द लोड इज बिटवीन द फलकरम एंड द एफर्ट एज इन व्हील बैरो बॉटल ओपनर नट क्रैकर एंड टोंग्स। लेवर की दूसरी किस्म में फलकरम साइड पर होता है और लोड फलकरम और एफर्ट के दरमियान होता है, जैसे व्हील बैरो में है, बॉटल ओपनर में है, नट क्रैकर जिससे नट्स को तोड़ा जाता है और टोंग्स यानी चिमटे में। व्हील बैरो में देखें, लोड सेंटर में है, फलकरम एक साइड पर है और एफर्ट दूसरी साइड पर है। इसी तरह बॉटल ओपनर या नट क्रैकर में फलकरम एक साइड पर होता है, लोड सेंटर में है और एफर्ट दूसरी साइड पर है। इन द थर्ड टाइप ऑफ लिवर, लिवर की तीसरी किस्म में द फलकरम इज एट वन एंड एंड द एफर्ट इज बिटवीन द फलकरम एंड द लोड। लिवर की तीसरी किस्म में फलकरम एक साइड पर होता है और एफर्ट फलकरम और लोड के दरमियान होता है, एज इन द ह्यूमन फोरआर्म, अ हॉकी स्टिक एंड अ फिशिंग रॉड। जैसे कि इंसानों के हाथ में हॉकी की स्टिक में और जिससे मछलियों को पकड़ा जाता है उस रॉड में। यहाँ पर हॉकी स्टिक दिखाई हुई है जिसके सेंटर में एफर्ट है, फलकरम एक साइड पर है और लोड दूसरी साइड पर है।
दूसरी सिंपल मशीन है इंक्लाइंड प्लेन. अ हैवी लोड कैन बी रेज्ड मोर इजीली बाय पुलिंग इट अलोंग अ स्लोपिंग सरफेस देन बाय लिफ्टिंग इट. इंक्लाइंड प्लेन एक स्लोपी सतह है जिसकी मदद से भारी सामान नीचे से ऊपर पहुंचाया जाता है. जैसे डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है, व्हील बैरो में सामान है और इस स्लोप से वो ऊपर लेकर जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ स्लोपिंग प्लैंक कैन बी यूज टू पुश अ व्हील बैरो अप अ हाईएस्ट स्टेप. मिसाल के तौर पर ये एक स्लोप है जिस पर व्हील बैरो को धक्का लगाया जा रहा है ऊपर ले जाने के लिए. वेज, अ वेज इज एक्चुअली टू इंक्लाइंड प्लेन्स पुट टुगेदर. वेज असल में दो इंक्लाइंड प्लेन है जो आपस में जुड़े हुए हैं. इट इज अ सिंपल मशीन विच चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स एज वेल एज इंक्रीजेस इट. ये भी एक सिंपल मशीन है जो ताकत की सिमत को चेंज कर देती है और उसको बढ़ा देती है. एन एक्स इज अ वेज विच इज यूज एज अ कटिंग मशीन. एक्स, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, ये भी एक काटने वाली मशीन के तौर पर इस्तेमाल होती है. द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द एक्स क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग साइडवेज फोर्स दैट स्प्लिट द वुड. अगर हम इस कुल्हाड़ी को नीचे की तरफ हरकत दें तो इसमें इतनी ताकत पैदा होगी कि जिससे लकड़ी टूट जाएगी. अ शार्प एक्स हैज अ ग्रेटर स्प्लिटिंग फोर्स देन अ ब्लंट वन. जो शार्प कुल्हाड़ी होगी उसमें बहुत ज्यादा ताकत होगी तोड़ने की उस कुल्हाड़ी से जो शार्प नहीं होगी. यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया. इसके बाद चैप्टर की एक्टिविटीज हैं, देन एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द स्टेटमेंट. थर्ड, इफ समथिंग हैज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट एट ऑल व्हाट हैपेंस टू इट इफ इट इज ए इज स्टिल बी मूविंग. अगर किसी चीज पर कोई ताकत नहीं लग रही तो क्या होगा. ए पार्ट में आपने बताना है कि वो चीज़ रुकी हुई है और उस पर कोई ताकत नहीं लग रही तो क्या होगा. और बी में आपने बताना है कि वो चीज़ हरकत कर रही है और उस पर कोई ताकत नहीं लग रही तो क्या होगा. नंबर फोर, स्टेट वेदर फ्रिक्शन इज यूजफुल और अ नुइसेंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. इन केसेस में आपने ये बताना है कि रगड़ यूजफुल है या नहीं है. Now we'll discuss weekly homework assignment 13. इस assignment में हमने unit number 7 force and machine को add किया है. इस assignment को भी 6 task में divide किया गया है. Task मतलब daily basis का काम. Task 1 है तो day 1 का काम है, तो आपने day 1 में ही करना है, इकट्ठा करके काम नहीं करना. Task 1 में आपने chapter की reading करनी है और title page बनाना है. टास्क नंबर 2 में आपने वर्ड स्पिनिंग करनी है. टास्क नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स. टास्क नंबर 4 चूज द करेक्ट आंसर. टास्क नंबर 5 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. एंड टास्क नंबर 6 इज एक्टिविटी. लेट्स स्टार्ट द टास्क नंबर 1. टास्क नंबर 1 में आपने रीडिंग करनी है पेज नंबर 61 to 69. रीडिंग अभी मैंने करवा दी है, आपने दोबारा रीडिंग करनी है उर्दू एक्सप्लेनेशन के साथ और टाइटल पेज बनाना है. नाउ स्टूडेंट्स ओपन योर कॉपी. मेक अ टाइटल पेज. यूनिट नंबर 7 फोर्स एंड मशीन डेट नोट करेंगे. टास्क नंबर 2 फाइंड मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स. गिवन वर्ड्स के मीनिंग नोट करने हैं. कॉलम बनाएंगे वर्ड्स मीनिंग का. नंबर 1 फोर्स मीनिंग ताकत या कुव्वत. नंबर 2 मास मीनिंग मिकदार. नंबर 3 वेट मीनिंग वजन. नंबर 4 डायरेक्शन मीनिंग सिम. नंबर 5 मोशन मीनिंग हरकत. नंबर 6 फ्रिक्शन मीनिंग रगड़. नंबर 7 एफर्ट मीनिंग कोशिश. नंबर 8 ग्रिप मीनिंग पकड़ना. नंबर 9 ग्रेविटी मीनिंग जमीन की कशिश. टास्क नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स. बुक में ही करनी है. ओपन योर बुक पेज नंबर 71. फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. नंबर 1, अ मशीन नीड्स एनर्जी टू वर्क. मशीन को तवनाई की जरूरत होती है काम करने के लिए. नंबर 2, द मूविंग पार्ट ऑफ अ मशीन बिकम हॉट ड्यू टू फ्रिक्शन. मशीन के हरकत करने वाले पार्ट्स गर्म हो जाते हैं रगड़ की वजह से. नंबर 3, द अमाउंट ऑफ एफर्ट अप्लाइड टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी.
जो एफर्ट लगाई जाती है काम करवाने के लिए उसको एनर्जी कहते हैं। नंबर 4, द वर्क डन इज कॉल्ड पावर, जो काम हो रहा है उसे पावर कहते हैं। नंबर 5, अ रॉकेट कैन फ्लाई एट अ स्टेडी स्पीड इन स्पेस बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन। रॉकेट खला में एक फिक्स स्पीड के साथ फ्लाई करता है क्योंकि वहां पर कोई रगड़ नहीं होती। नंबर 6, An inclined plane is a sloping surface by which heavy loads can be pushed. Inclined plane एक sloping सतह है जिसके जरिए heavy loads को ऊपर push किया जाता है। Task number 4, choose the correct answer. Heading आएगी, choose the correct answer. 1. Weight is measured in newtons. Weight को newtons में नापा जाता है। Option mass. वेट। नंबर 2, अ लिवर इज अ सिंपल मशीन। लिवर सिंपल मशीन है। ऑप्शन सिंपल कॉम्प्लिकेटेड। नंबर 3, एन एक्स इज अ वेज। कुल्हाड़ी वेज है। ऑप्शन इंक्लाइंड प्लेन वेज। 4, रूविंग अ बोट नीड्स अ लॉट ऑफ फोर्स। कश्ती को चलाने के लिए बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत होती है। ऑप्शन फोर्स ग्रेविटी। नंबर 5, द अमाउंट ऑफ मटीरियल इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। किसी भी चीज में कितना मटीरियल है वो मास है। ऑप्शन एनर्जी मास। टास्क नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 6 क्वेश्चंस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज फ्रिक्शन, रगड़ क्या है? आंसर, फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन थिंग्स रब अगेंस्ट ईच अदर। जब चीजें रगड़ी जाती हैं तो रगड़ की ताकत पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कॉजेस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कैसे होती है? फ्रिक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू टाइनी बम्प्स ऑन द सरफेस इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। अगर किसी सतह पर बहुत छोटी ऊंचाई हो और वो चीज उस ऊंचाई से टकराए तो वहां पर फ्रिक्शन होती है। नंबर 3, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? द डाउनवर्ड पुल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। जमीन की तरफ खींचने वाली ताकत को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। नंबर 4, व्हाट इज मशीन, मशीन क्या है? द मूविंग पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच हेल्प टू मेक अवर वर्क इजियर आर कॉल्ड मशीन। किसी भी चीज के हरकत करने वाले पार्ट्स जो हमारे काम को आसान करने में मदद करें वो मशीन कहलाते हैं। नंबर 5, व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ सिंपल मशीन। सिंपल मशीन के मैकेनिकल फवाइद क्या हैं? द एक्स्ट्रा फोर्स दैट इज गेन्ड बाय अप्लाइंग लेस एफर्ट टू डू मोर वर्क इज कॉल्ड द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द मशीन। मशीन का मैकेनिकल फायदा ये है कि कम ताकत लगाने से ज्यादा काम हो। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज लिवर, लिवर क्या है? आंसर, अ लिवर इज अ सिंपल मशीन। लिवर एक सिंपल मशीन है विच हेल्प्स अस टू यूज अ स्मॉल एफर्ट टू लिफ्ट अ लार्ज लोड। लिवर एक सिंपल मशीन है जो मदद करती है भारी सामान को ऊपर पहुंचाने में और उस पर कम एफर्ट लगाई जाए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास और वेट का डिफरेंस लिखना है। कॉलम बनाएंगे मास का और वेट का। नंबर 1, मास इज अमाउंट ऑफ मटेरियल कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज में कितना मटेरियल का अमाउंट है वो है मास। वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। वजन एक ग्रेविटेशनल ताकत है जो चीजों पर लगती है। इट इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स। मास को किलोग्राम्स में नापा जाता है। इट इज मेजर्ड इन न्यूटन। और वजन को न्यूटन्स में नापा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो गए। लास्ट टास्क, टास्क नंबर 6, एक्टिविटी करनी है। राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच काइंड ऑफ लिवर। ये तीनों काइंड हैं लिवर की और फर्स्ट काइंड ऑफ लिवर की भी आपने दो एग्जाम्पल लिखनी है। सेकेंड काइंड ऑफ लिवर की दो एग्जाम्पल लिखनी है। थर्ड काइंड ऑफ लिवर की दो एग्जाम्पल लिखनी है। कॉपी में करना है ये काम। बुक से आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी। यहाँ पर आपका कॉपी वर्क भी कम्प्लीट हो जाएगा। कॉपी वर्क कम्प्लीट करने के बाद आप इंडेक्स बनाएंगे। यूनिट नंबर 7, फोर्स एंड मशीन। वर्ड्स मीनिंग, चूज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन आंसर, एक्टिविटी। जिस डेट को आप जो काम कर रहे हैं वो डेट मेंशन करेंगे, पेज नंबर मेंशन करेंगे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम करेंगे। आई होप आपको बुक वर्क और कॉपी वर्क समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।